इसका मतलब कोई तीसरा भी है। जो मिस्टर चतुर्वेदी के रूम से जाने के बाद उस होटल रूम में आया था, कौन हो सकता है वो? शायद उसी ने खून किया। कैसे पता करे कि बाबू को जाने के बाद कौन मिलने आया था बरका मस्जिद से? जैसे पिछली बार उस कैमरे ने सबकी पोल खोल दी थी, वैसे अगर कोई और कैमरा मिल जाए तो, है ना सागर? देख लिया आपने, 11:30 बजे जब मैं कमरे से बाहर निकला तब बरखा जिंदा थी और राज कमरे के अंदर ही था। ये जरूर साबित हो गया है कि जब आप रूम से निकले थे तब बरखा जिंदा थी, लेकिन अब तक राज कहीं नजर नहीं आया है। अब पता चल जाएगा कि बरखा से मिलने कौन आया था। ये कौन है? पुलकित भैया। बरखा की जान ले सकता है वो, ऐसा सोचते हैं आप? मैं तो बस केस के हर पहलू को देखने और समझने की कोशिश कर रहा हूं माधवी। गुस्सा इंसान को अंधा कर देता है। बस और कुछ नहीं कहेंगे आप? मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है कि आप ऐसा कह रहे हैं। मुझे भी ये कहते हुए बहुत तकलीफ हो रही है, लेकिन यहां बहुत इंसाफ की हो रही है और इंसाफ तो इंसाफ बस इंसाफ की पड़ी है आपको। उसके पहले जो तकलीफ वाली बात कही आपने वो सब झूठ। इंसाफ का ढिंढोरा पीटते हैं आप, पर अपने ही बेटे के साथ हमेशा ना इंसाफी की है आपने। शुरू से पुलकित की हर बात के खिलाफ रहे हैं आप। उसकी कोई बात, कोई चीज, कोई किया हुआ काम कभी सही नहीं लगा आपको। कभी तारीफ का एक शब्द नहीं निकलता आपके मुंह से पुलकित के लिए। छोटी छोटी सी भूल पे नाराज हो जाते हैं। अरे बेटा है आपका, दुश्मन नहीं है, और आज उस पर खून का इल्जाम लग रहा है और आपको इंसाफ की पड़ी है। उसे सूली पर चढ़ाने की बात करते हैं और कहते हैं कि तकलीफ होती है आपको। झूठ बोलते हैं आप, झूठ। तो ये सोचती तुम मेरे बारे में? तुम ये क्यों नहीं सोचती माधवी कि सूली पर पुलकित नहीं, एक बाप का दिल चढ़ेगा। ये बात मेरे लिए फांसी की सजा से कम नहीं है, लेकिन लेकिन बस यही आपके पास कहने को। मुझे नसीहत दे रहे हैं आप? अरे अपनी तरफ तो देखिए,
बेटे पे खून का इल्जाम लग रहा है और आपके पास कहने के लिए बस एक शब्द है, लेकिन आप पिता है ना, अपना दिल पत्थर का कर सकते हैं। और मुझसे पूछिए, मैं एक माँ हूँ, अपने खून से सींचा है अपने बेटे को, दर्द सहकर पैदा किया है, जन्म दिया है, पाला है, पोसा है, बड़ा किया है, इसलिए नहीं कि वो किसी भी इल्जाम के लिए फांसी। पिता का फर्ज पूरा करने का वक्त आ गया है। पुलकित को बचाकर मुझे ये जताना होगा कि एक बाप के लिए भी उसकी औलाद से बढ़कर कुछ नहीं होता। ऐसा करने के लिए मुझे सिर्फ एक ही रास्ता दिखाई दे रहा है। पुलकित का इल्जाम मुझे अपने सर पर लेना होगा।